हमारे देश में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनको प्रत्यारोपित करने के लिए अंग नहीं मिल पाते। अगर लोग अंगदान करें तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। देश में अंगों की मांग बहुत अधिक है लेकिन इनकी उपलब्धि बहुत ही कम है। लेकिन सेना ने इस मामले में एक मिसाल कायम की है। लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से दिल्ली में सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल संजीव छाछरा ने अपनी पत्नी के साथ अंगदान का संकल्प लेते हुए सेना के जवानों और अधिकारियों से अंगदान करने की अपील की। The time has now come to further nurture the seed and ensure that organ donation becomes a way of life in the armed forces. I have taken this opportunity to pledge as a just obligation to what the service has done for me. In our giving today lies someone's future. इस कार्यक्रम में सेना के चिकित्सकों और जवानों के अलावा उन सैनिक कर्मियों के परिवारजन भी थे जिन्होंने मृत्यु के बाद अंगदान किया। उन लोगों को इस नेक काम के लिए सम्मानित भी किया गया। और इनमें से ऐसे ही एक शख्स हैं नायक उग्र सिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके अंगदान का फैसला कर एक मिसाल कायम की। डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई इनके अंगदान करना चाहते हो मैं कर देंगे। उन्होंने फार्म भी हमने साइन कर दिए। उनकी किडनी, लीवर और दोनों आई, पांच चीज उन्होंने दान की जो कि चार आदमियों में ट्रांसप्लेट किया था। अगर हम डोनेट करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में जिंदा है। वो खुद नहीं देख सकते लेकिन उनके जगह कोई तो देखेगा, कम से कम आँखों से, उनके लीवर से दूसरा आदमी जिंदा रह सकता है। तो ये सोच के हमने उसको मतलब अंगों को डोनेट किया। सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक अग्रणी अस्पताल रहा है। सेना के अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी प्राधिकरण अरोटा बनने के बाद से वहां हुए 113 ब्रेन डेड में से 37 लोगों ने अपने अंगदान किए। इसके साथ ही अस्पताल अब तक 44 लीवर, 3 हृदय, 70 किडनी और कई कार्निया का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में हर साल 2,00,000 लोगों की अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है लेकिन महज 2-3% लोगों का ही अंग प्रत्यारोपण हो पाता है। अब सेना के इन आंकड़ों ने ये साबित किया है कि अगर लोग अंगदान करने के लिए आगे आएं तो इस कमी को दूर किया जा सकता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली।